नमस्कार दोस्तों, YouTube ज्ञान साझा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, हिंदी शिक्षण में टेट में जो भाषाई विविधता वाले कक्षा कक्ष की समस्याएं से संबंधित पाठ है, आज हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। बंधुओं, भाषाई विविधता क्या होती है, जिसको इंग्लिश में हम लोग डाइवर्स लैंग्वेज कहते हैं। भाषाई विविधता से नाम से ही आपको पता चल जा रहा है कि भाषाओं की विविधता, इसका हम लोग परिभाषा के रूप में देखते हैं क्या है। भाषाई विविधता, भारत एक बहुभाषी देश है। भारत में जनसंख्या, प्रजाति, धर्म तथा संस्कृति के आधार पर ही विभिन्नता नहीं पाई जाती, बल्कि भाषा की दृष्टि से भी अनेक विभिन्नता विद्यमान है, जिन्हें हम भाषाई विविधता कहते हैं। आप समझ पा रहे हैं, हम लोग जाति, धर्म, संस्कृति के आधार पर नहीं, भाषा के आधार पर भी विविधता हमारे भारत देश में है, जिसे हम भाषाई विविधता कहते हैं। भाषा हमारे देश में 1600 की पहचान की गई है। प्रिंट मीडिया के तरफ से 87 प्रिंट भाषाओं की होती है। रेडियो में 71 भाषाएं प्रचलित है और प्रशासन स्तर पर 13 स्कूलों में 47 भाषाओं में पठन पाठन की प्रक्रिया होती है और संविधान में 22 भाषाओं की मान्यता प्राप्त हुई है। उसके बाद जो है द्विभाषा का मतलब ये कि दो भाषा, जिसे हम बिलिंगुअल लैंग्वेज कहते हैं। दो भाषा, एक होता है हम अपने जो घर पर बोलते हैं अपने माता पिता के साथ, अपना मातृभाषा होता है, और एक क्षेत्र जो क्षेत्र में आपका चलता है वो क्षेत्रीय भाषा हो गया। त्रिभाषा जो हो गया, मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा और अन्य भाषा। अब जैसे मैं एक बिहार का अगर लड़का हूँ तो मेरा घर का भाषा हो जाएगा मातृभाषा भोजपुरी, क्षेत्रीय भाषा हिंदी, और अन्य भाषा के रूप में हम अन्य संस्कृत में भी ले सकते हैं, अंग्रेजी ले सकते हैं। ये तीन भाषाएं हो सकती हैं। बहुभाषिकता, जिसे हम जितना ज़्यादा जानेंगे वही बहुभाषिकता हो गए, और बहुभाषिकता बच्चों में लाना बहुत अच्छी एक सकारात्मक प्रक्रिया है। उससे उनके सोच और समझ विस्तृत होती है संकीर्ण के जगह पर। किंतु देखा गया यह है कि जिस भाषा में जो बच्चे अपने परिवेश से सीख कर आए हैं और जो दूसरे परिवेश में अन्य भाषाएं सीखते हैं, तो उनमें उनको बहुत सारी कठिनाइयां होती है। हम जैसे खासकर बात करते हैं एक कक्षा कक्ष में जब शिक्षक पढ़ाते हैं तो उन्हें बहुत तरह की चीज़ों को सामना करना पड़ता है, या यह कहे कि विद्यार्थी के रूप में बहुत सारी चीज़ों की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। एक विद्यार्थी के रूप में अगर हम देखते हैं, जब हम विद्यार्थी के रूप में हम स्कूल में प्रवेश किए तो मातृभाषा हमारी जो घर की भाषा है उसको छोड़कर हम जो स्कूल में पढ़ाई होती है उससे हम पढ़ते हैं। अब जैसे हम बात करें कि मैं वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के निवासी हूँ, और पश्चिम बंगाल की क्षेत्रीय भाषा जो है बंगला है, और जो कि स्कूल में बंगला भाषा के रूप में उसे पढ़ाया जाता है प्रथम भाषा के रूप में। और अगर हम अगर हिंदी भाषा भाषी के विद्यार्थी हैं तो घर में हम तो भोजपुरी भाषा बात करते हैं, लेकिन स्कूल जाते हैं तो क्या पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं। तो जिससे हम लोगों को ये भाषा कौशल की 4 सोपाने हैं, पढ़ना, लिखना और उसके पहले सुनना और बोलना, ये चारों चीज़ में परिवर्तन हो जाती है। अब जिसके कारण से सुनने में जो शब्द पहले जो सुनते थे, जिस चीज़ को हम अलग बोलते थे, स्कूल में जाने के बाद कुछ अलग हो जाती है। बोलने की प्रक्रिया में हम लोग अब उसके बाद उसी के अनुसार बोलते हैं, और पढ़ते भी हैं हम लोग वही, और लिखते भी हैं। तो इनसे 4 चीज़ें जो भाषा कौशल की होती हैं वो प्रभावित होती हैं। अब आप जैसे कि हम लोग एक समझ सकते हैं, जैसे कि हम लोग गाय बोलते हैं हिंदी में, उसको हम भोजपुरी में क्या कहते हैं, गैया कहते हैं या गाय कहते हैं, और उसके बाद अंग्रेजी में हम लोग उसे काऊ कहते हैं। तो पहले बोलने का, फिर हम लोग सुने भी इस तरह से, फिर लिखने में, ये तमाम प्रकार की चीज़ें जो होती है उत्पन्न, एक शिक्षक के रूप में भी वो दिक्कतें होती है, क्योंकि बच्चे पूर्व अपने अनुभव से, पूर्व माहौल से जुड़े हुए रहते हैं, और उसको वर्तमान में जिस स्थिति में डालना होता है उसमें उनको कठिनाई होती है, एक शिक्षक को भी और विद्यार्थी को भी। इसके अलावा क्षेत्र भाषाओं का तो प्रभाव तो पड़ता ही है, जो मैंने पॉइंट आउट किया हूँ यहाँ पर, क्षेत्रीय भाषाओं का भी प्रभाव पड़ता है। अब स्कूल से बाहर निकलते हैं तो
बाहर में कुछ अलग सुनते हैं, तो ये बच्चों के लिए भी दिक्कत होती है और एक शिक्षक के लिए भी दिक्कत होती है, ठीक है। और सामाजिक आधार पर भी समाज जो है, क्षेत्र से बड़ा जो होता है समाज जो हम पूरा देखते हैं वो भी प्रभावित करती है। तो कुल मिलाकर एक निगेटिविटी जैसे नकारात्मकता के हिसाब से देखने से बहुभाषिकता होने पर बच्चे अपने मूल भाषाओं से उन्हें दूसरे भाषाओं के तरफ जाना पड़ता है, जिससे उनको दिक्कतें होती हैं। किंतु दिक्कत के अलावा एक सर्चिंग किया गया है कि जिस भाषाओं जो बच्चे जितने बहुभाषिकता होती है उनके विचार भी उतने बड़े बनते हैं, और उनके अपने पुराने भाषाओं को सम्मान और उनके अनुभवों को अगर हम सम्मान करते हैं तो बच्चे उन नए चीज़ों को भी सीखने के लिए अग्रसित होते हैं। तो कुल मिलाकर इस पाठ में यही है कि भाषाएं विविधता क्या है, जो कि हम समझें कि विभिन्न प्रकार की भाषाएं जो होती है भारत में बोली जाती है वो भाषाएं विविधता हैं, और कक्षा कक्ष में जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, हम भी विद्यार्थी थे तो हम लोग भी इसकी सामना किए हैं, और शिक्षक के रूप में भी इसे हम लोग अगर बनते हैं तो ये देखने को मिलेगा। आप अपने अनुभव से इसे आप समझ सकते हैं। अब इसके बाद जो इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है सीटेट्स में, वो मैं आपके लिए लाया हूँ। यहाँ पर जैसे कि देख पा रहे हैं कि बहुभाषी कक्षा में एक नंबर प्रश्न, शिक्षक में इतनी योग्यता अवश्य हो कि वह क्या होगा सरल प्रश्न बना सके, सभी बच्चों की मातृभाषाओं को संरचना को जान सके, पाठ्य पुस्तक को जल्दी पूर्ण करा सके, विभिन्न भाषाओं में पाठों की विषय वस्तु का शब्दार्थ अनुवाद कर सके। ये जो सबसे अच्छा बेस्ट अच्छा लग रहा है ऑप्शन, ये 2 नंबर का बेस्ट है, क्योंकि बच्चों की मातृभाषाओं को समझेंगे तभी हम उनके ज्ञान को और आगे तक बढ़ा सकेंगे, ठीक है। जब तक हम उनको अपनापन का अनुभव नहीं कराएंगे तब तक वो हमारे साथ अपनापन का अनुभव नहीं करेगा, वो प्राय जैसा ही लगेगा। किंतु बड़ा क्लास रहेगा तो ये सारे चीज़ों को समझना दिक्कतें होती है। हर बच्चाओं की पर्सनैलिटी के हिसाब से अगर देखेंगे कि उनके भाषाओं के आधार पर उनको समझ कर उनसे करें तो ये दिक्कतें होती है। किंतु फिर भी एक शिक्षक के रूप में हमें समझना चाहिए कि बच्चों को उनके पुराने अनुभव को, उनके पुराने भाषाओं को प्राथमिकता के आधार पर उन्हें नया कुछ सिखाया जाए। अब इसी तरह का जो प्रश्न आए हैं आप खुद से खुद इनका उत्तर दें, और इसके सही उत्तर जो है जो टिक किया हुआ है वो पेंसिल से दिया हुआ है। मैं पूरे प्रश्न को पढ़ पढ़ कर मैं नहीं समझाना चाहता हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा। संक्षिप्त समय में अच्छी तरह से ये चीज़ें आप समझ ले और इसके धारणाओं को मजबूत कर ले इस पाठ का। तो ये मेरा आप लोगों के समक्ष एक छोटा सा प्रयास था। अच्छा लगा हो वीडियो तो जरूर से जरूर लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। पूरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।